Hey guys, welcome to E24. मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और हीरोपंती 2 का जब ट्रेलर आउट हुआ, we all got very much excited because बहुत सारे एक्शंस हैं, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, साथ ही बड़े अच्छे गाने भी आउट हुए हैं and recently Whistle Baja 2 भी आउट हुआ है, जिसको लेके हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। We have Tanish Shroff and Tara Sudaria in the house, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। How are you guys? Good, excited. Very nervous, excited, yeah. कैसा रहा कल का ट्रिप? आप लोग दरगाह भी गए हैं, मंदिर भी गए, सब कुछ विजिट हुआ, हाउ वाज इट? बहुत ही पीसफुल था, इवन दो काफी भीड़ थी, इट वाज जस्ट स्टिल वेरी एनरिचिंग, एम्पावरिंग, वेरी पीसफुल। बहुत ही ग्रेटफुल हूँ इस वक्त, खासकर मुझे मौका मिला टू बिल्कुल visit the Pahi Dargah and Babulana. And talking about this movie, हम सब बहुत ही ज़्यादा excited हैं। किस जब trailer out हुआ, तारा हम आपसे जानना चाहेंगे how you got the feedback, because we really love the trailer and हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया and we all are waiting for the movie. I think क्योंकि ये sequel है of such a love film like Heeropanti 1, लोगों ने Heeropanti को, Tiger को, Prithi को बहुत सारा प्यार दिया था उस वक्त, तो ऑब्वियसली देयर आर एक्सपेक्टेशंस एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि ट्रेलर को लेकर या हमारे जो वीडियोस आए हैं ऑफ द सॉन्ग्स, जो गाने रिलीज हुए हैं, रिएक्शन सो फार हैव बीन रियली रियली गुड। और अगर हम ओपनिंग वीकेंड की बात करें तो आई थिंक सो फार जो थोड़ी सी न्यूज़ मिल रही है हमें, आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस ऑब्वियसली, बट सो फार सो गुड। एंड इट्स एन ए आर रहमान स्पेक्टिकल एंड अ म्यूजिकल ऑफ सॉर्ट्स, तो आई थिंक ही बहुत खास है फॉर टाइगर स्पेशली बिकॉज़ ही सिंगिंग आल्सो मिस हैरान इन द फिल्म, यस, बट फॉर मी एज़ वेल, सो स्वीट ना, प्लग इन फॉर मिस हैरान, बट नहीं, बहुत मजेदार है फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ सच अ बिग स्पेक्टिकल ऑफ फिल्म एंड फॉर बोथ ऑफ अस टू रियूनाइट इन हीरोपंती 2, व्हिच इज अ स्पेशल फिल्म फॉर टाइगर बट आल्सो अ स्पेशल सीक्वल फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ, तो आई थिंक जस्ट नर्वस एंड एक्साइटेड एंड जस्ट कांट वेट फॉर इट टू रिलीज नाउ। टाइगर 8 साल का इंतजार हमें करना पड़ा पार्ट 1 से पार्ट 2 तक, क्या पार्ट 1 के टाइम पे ऑलरेडी ये बातें हो रही थी कि हम पार्ट 2 भी लेके आने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्ट 1 के बाद उस चैप्टर को क्लोज किए थे हम लोग एंड वी गॉट इनटू द बागी फ्रेंचाइज एंड बागी काफी हिट हुई, तो उसके बाद हम लोग बागी को आगे लेकर गए बिल्कुल चैप्टर 2 चैप्टर 3। तो इट वॉज ओनली अंटिल रिसेंटली कि यू नो साजिद सर ने कहा, एनो सर ने कहा कि यार ठीक है, वी सॉर्ट ऑफ एग्जॉस्टेड आवरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ यू नो इन टर्म्स ऑफ द बागी फ्रेंचाइज फॉर अ बिट, तो क्यों ना इसको रिवाइव करें फिर से, राइट? एंड दैट गिव अस अ डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट, एक अलग दुनिया मिला, उससे एक अलग किस्म का एक्शन करने की कोशिश की हमने और जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अलग कहानी है, एक अलग ज्योग्राफी है ऑल टुगेदर, एक अलग किरदार को यू नो वी गॉट टू प्ले अनदर कैरेक्टर, वेरी डिफरेंट वर्ल्ड और द ब्रेक फ्रॉम मी फ्रॉम यू नो द सेम बिल्कुल सेम सिलुएट अगेन। तारा बहुत एनर्जेटिक है टाइगर, उनके साथ मैचअप करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? एक्चुअली एनर्जेटिक तो है ही स्क्रीन पे, बट ऑफ कैमरा ही इज वेरी काम एंड वेरी कंपोज, जैसे कि आप देख सकते हैं, बट हमारे बीच बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, तो आई थिंक इट्स इजी टू बी अराउंड हिम, टू वर्क विद हिम, टू जस्ट यू नो चिल ऑन सेट, क्योंकि सिमिलैरिटीज हैं बहुत, या म्यूजिक में या डांस में या जनरल इंटरेस्ट में, लाइफ में, खाना में, आई थिंक बहुत सिमिलैरिटीज हैं, तो इट्स वेरी इजी टू बी अराउंड हिम एंड टू हैव अ गुड टाइम। इस बार हमने आपको हमेशा से एक्शन मूवीज में देखे हैं, आप बहुत अच्छा एक्शन सारे किरदारों को निभाया है आपने, इस बार एक्शन में आपको कितना अलग हम आपको देखने वाले हैं? जिस तरह मैंने कहा, एक बहुत ही अलग किस्म का एक्शन है, अगर आपने ट्रेलर देखा तो सूट में एक्शन कर रहा पहली बार, तो वो उसमें मूवमेंट्स करना, उसमें एक्शन करना काफ़ी मुश्किल रहा मेरे लिए, इवन दो लुक्स गुड यू नो एंड द बॉडी लैंग्वेज लुक्स ग्रेट, पर हकीकत में एक्चुअली उसमें परफॉर्म करना बड़ा चैलेंजिंग था,
गर्मी लगती थी, पैंट्स बार बार फटते थे, वैसे अलग अलग एवरी डे वी हैव एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैंट्स, क्योंकि ऐसा एक भी दिन नहीं था जहाँ तक मुझे याद है आई डिडंट यू नो हैव अ टेयर और इट वाज रिपेयरिंग. And tell us something about the character which you are playing in this movie. My character's name is Inaya. She is very, very outspoken, very confident. बहुत ही बहुत ज़्यादा बोलती है कभी कभी आप फिल्म में देखेंगे. और जो relationships है फिल्म में नवाज सर के साथ, टाइलर के साथ, वो यूनिक है, अलग है, कभी कभी बहुत फनी है, स्पॉन्टेनियस है. जो सीन्स है मेरे साथ और नवाज सर के साथ वो बहुत ही आई थिंक आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे. एंड विद टाइगर इट्स बीन अमेजिंग, इट्स बीन सो मच फन. तो अलग है मेरे लिए बिकॉज़ आई हैव नेवर प्लेड सच अ लाउड कैरेक्टर बिफोर एंड इट्स वेरी डिफरेंट टू हाउ आई एम इन रियल लाइफ. बहुत मजा आया. गाने का रिकॉर्डिंग आपने किया है जिसके लिए ए आर रहमान ने आपकी बड़ी तारीफ की थी. How was it when you got to know that you have sing the song and tareef A.R. Rahman se milna? I mean, main bahut hi nervous tha, khas kar kyunki main you know maestro ke sath kaam karne ja raha tha first time pehli baar. Bahut hi shukr guzar hu ki mujhe bahut pyar diya unhone, mujhe kafi support kiya unhone, and he is very generous with his words, and for a legendary person like him to say something about a beginner like me, like especially, I think that was very kind of him. Tara बहुत अच्छा गाना गा लेती है. उन्होंने कुछ टिप्स दिया था कि नहीं आपको सही किसी टिप्स की ज़रूरत नहीं है. Tara बहुत लालची औरत है, वो खुद के लिए रखती है सब सारे टैलेंट्स, अपने सारे सीक्रेट्स शेयर नहीं करती. ये पागल है, मत सुनो. But no, he doesn't need any tips. He's amazing, just as he is. Tell you when Nawaz came as a Laila ka avatar in front of you, what was your reaction? Because he is killing it. वो जब भी कोई किरदार निभाते वो पूरा घुसी जाते हैं उस किरदार में. It's amazing. मुझे याद है हम लोग जब भी परफॉर्म कर रहे थे, कैमरा कट होने के बाद भी हमेशा कैरेक्टर में रहते थे और मुझे इस तरह देखते थे, ऐसा देखते थे, हाथ ऐसे करते थे. It was very inspiring watching that, how different he can become. And what was your reaction? Because to be honest, first din pe luckily we had a combined scene where Tiger was also the scene. Main bahut nervous thi kyunki kabhi kabhi intimidating ho jata hai because you've heard so much about him and his craft and his skill, but actually wo itne sweet the aur inclusive the aur funny the, despite actually being a very soft spoken man who keeps to himself. I've noticed on it, but bahut sweet the. We got to see Priti again in this song, जहाँ पे उनका एक special appearance था, and we all got very much excited जब हमने उन्हें देखा, आपने पर्दा remove किया, and we got to see her. किस तरह आप लोगों ने कुछ पुराने movies से related कुछ बातें हो रही थी क्या जब when she was on stage? I mean, it was very nostalgic that you know this was the first song we performed on together. The last song I shot for as of late, so बहुत ही nostalgic था. हालांकि मैं कृति के साथ already काम कर रहा हूँ गणपत में, तो we already shared all our past stories with each other before coming on the set. And पिछली बार डांस सिखाया था टाइगर आपने नवाज को, ये हमें पता चला था. इस बार क्या कुछ सिखाए? बिकॉज़ मुन्ना माइकल में हमने देखा था कि आप कुछ स्टेप्स सिखाए उन्हें, कुछ वैसा उन्होंने बात की थी. इस बार कुछ ऐसा कुछ मौका नहीं मिला टू टीच नवाज सर थे, पर हम दोनों बार बार सीखते हैं उनको देख के, और खाली बैठ के उनको देखना बड़ा मजा आता है. मुझे सुनने को मिला था भाई टाइगर कॉल यू लाइक अ प्राउड मॉम और समथिंग लाइक दैट. क्या स्टोरी है उसके पीछे अगर आप बताना चाहें? कि अगर आप देखें हमारे वीडियोस में जो इंस्टाग्राम पे शायद है, या जब हम प्रमोशन करते हैं या कुछ भी, देन व्हेनेवर ही इज परफॉर्मिंग या जब ये बोलता है कुछ, आई एम प्राउड ऑफ हिम, इफ यू नोटिस माय रिएक्शन, क्लोज अप ऑन हिम,
बहुत कमाल की एक्टर है. No, genuinely, I'm always standing there looking up and clapping for him like a proud mother. So I think मैंने comment किया था उसके picture पे and then he's put that as a story. Say, look at my proud mother, which I think I am. Talking about अभी हाल ही में आप एक reality show में गए थे जहाँ पे 33 seconds में लड़की ने flip किया था एक बच्ची ने. आपसे अगर पूछा जाए आप 33 seconds में कितने flips कर सकते हैं? कभी try नहीं किया, कभी नहीं. Like अभी we thought कि आप घर पे जाके try करोगे, क्या ऐसा कुछ हुआ था? घर पे जाके अगर try करूँ मम्मी डांटेगी. And हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी मूवी के साथ एक और मूवी भी रिलीज हो रही है रणवीर, विच इज रणवीर 34. सो क्लैश होने वाला है बॉक्स ऑफिस पे, सब कुछ है. आप लोग के मन में क्या चल रहा है अगर कुछ शेयर करना चाहें तो? हमारे लिए तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि हम लोग अजय सर के साथ, बच्चन साहब के साथ आ रहे हैं सेम डेट पे. इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं और राहुल के साथ हम लोग ऑफ कोर्स. तो यू नो इट्स मतलब मैं बहुत ही खुशकिस्मती हूँ कि मुझे एक मौका मिला टू कम ऑन सच एन अमेजिंग डेट, प्रेस्टिजियस डेट, प्रेस्टिजियस डेट लाइक ईद. ईद एंड आई थिंक यू नो आई होप द ऑडियंसेस अप्रिशिएट बोथ द फिल्म्स, बोथ टीम्स का हार्ड वर्क है इसमें. और बस हम हमारा यही मकसद है कि यू नो to for you all to come and watch the film, both films, and be entertained, have fun, and just be stress free. Thank you so much and all the best to you guys. And you guys know that we all reporters love you most. So, हम सब आपकी movie देखने वाले हैं. Thank you so much हमारे साथ बने रहने के लिए.